वेलकम स्टूडेंट, इन द प्रीवियस वीडियो वी डिस्कस अबाउट क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. लेट्स सी, हम यहाँ क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दोनों पढ़ चुके हैं, स्टडी हम कर चुके हैं उनके लिए. क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए हमने एक सेंटेंस कहा था और वो सेंटेंस आप लोगों को याद होगा, जो जैसा है वो वैसा ही रहता है. हमने नेचर के बारे में वहाँ बात की थी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने एडिशन किया था, हमने सपोज किया था लेट ए एंड बी आर टू वैल्यूज, देन ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए, लाइक दैट. नाउ लेट्स सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी हम साथ साथ हैं, तो इस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का जो मीन्स है वो उसी मूवी से आप रिलेटेड रखें, क्योंकि वैसे भी मूवी के जो सीन्स हैं या मूवी का जो नाम है उसमें आप लोगों को बहुत अच्छा याद रहता है, हमें भी बहुत अच्छा याद रहता है. तो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो हम यहाँ डिस्क्राइब कर लेते हैं. पहले इसको समझना. देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आप लोगों के पास टू वैल्यूज़ थी. हमने वहाँ एक बार हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास टू वैल्यूज़ थी, ए एंड बी. तो हमने वहाँ क्या शो किया था, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए. हमने वहाँ एग्जाम्पल भी लिया था 3 + 2 और 2 + 3. तो अब यहाँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को समझने के लिए, या हम ये कहें कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में थ्री वैल्यूज आप लोगों के यहाँ काम में आने वाली हैं. हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए देखें तो हम यहाँ लिखते हैं लेट ए कॉमा बी एंड सी आर थ्री वैल्यू. अब ये हम आप लोगों को बता चुके हैं कि ये ए बी सी यहाँ इंटीजर है, होल नंबर है, वो मैटर करेगा क्वेश्चन के लिए. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की आप पहले कंडीशन देखना. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, अब हम एडिशन के लिए यहाँ पे नोट कर रहे हैं. तो ये ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, जो मैंने यहाँ बोला है आप लोग इसको, जो यहाँ हमने राइट किया है, रिटर्न किया है, इसको आप देखें. यहाँ थ्री क्वांटिटीज थी अपने पास, ए बी सी थ्री वैल्यूज थी. तो हमने यहाँ क्या किया, एक स्मॉल ब्रैकेट का यूज किया है. इस फर्स्ट पार्ट में, इस लेफ्ट पार्ट में आप लोग देख रहे हो कि बी और सी दोनों का ऐड है, और ये हम सेवन्थ सिक्स स्टैंडर्ड में पढ़ चुके होते हैं कि पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होता है. तो यहाँ आपका जो मीन्स है वो ये कि फर्स्ट में आपको बी प्लस सी सॉल्व करना है, आफ्टर दैट जो ये वैल्यू आएगी इक्वेट वैल्यू वो आपको ए के साथ ऐड करनी है. राइट साइड में देखो, फर्स्ट में हमने क्या किया है, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट जो है वो ए और बी के लिए है, तो ए प्लस बी फर्स्ट में हम इस ए प्लस बी को सॉल्व करेंगे, जो ये वैल्यू आएगी उसको हम ऐड करेंगे सी में. अब ये चीज़ सबके लिए, हमने जो ऑपरेशंस आप लोगों के लिए कहा था, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, सबके लिए है जो प्रोसेस यूज हो जाता है. या हम ये कहें कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आ जाएगी, नहीं तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा. इसको हम एक एग्जाम्पल से यहाँ समझ लेते हैं, जिससे ये थोड़ा सा और क्लियर हो जाए. हम ले रहे हैं यहाँ पे लेट ए इक्वल्स टू 5, बी इक्वल्स टू 3 एंड सी इक्वल्स टू 2. तो हम पहले यहाँ इस लेफ्ट जो पार्ट है इसको सॉल्व कर लेते हैं. तो देखना, ए प्लस बी प्लस सी, ये ही हमारा लेफ्ट हैंड साइड पार्ट है. द वैल्यू ऑफ ए 5, मैंने प्लस
ब्रैकेट स्टार्ट, द वैल्यू ऑफ बी इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ सी इक्वल्स टू 2। तो ये आपका कुछ इस तरह से आया। सॉल्व किया तो 5 + 5 एग्जैक्ट वैल्यू हमारे पास आई इसकी 10। राइट हैंड साइड के लिए हम कुछ देखें तो देखना a + b + c द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 5, देन 5 + द वैल्यू ऑफ b 3 एंड द वैल्यू ऑफ c इक्वल्स टू 2। देन सॉल्व 5 + 3 स्मॉल ब्रैकेट फर्स्ट में सॉल्व होता है तो 8 + 2 और ये आपका आ गया 10। तो आप लोग यहां देखो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो आंसर है वो भी कितना है 10 और हमने यहां भी कैलकुलेट किया है ये भी कितना है 10। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि एडिशन के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है कि ये हाँ बिल्कुल सही है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसका राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो ये हम यूज कर रहे थे एडिशन के लिए ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ सेटिस्फाई हो जाती है। अब मैंने जो लास्ट वीडियो थी उसमें भी आप लोगों से यही कहा था कि ये सबके लिए हो सकता है। एडिशन हम यहाँ कर चुके हैं, अगर हम यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए बात करें तो ये सिंबल किसके आ जाएंगे a - b - c। यहाँ जहाँ आपको प्लस शो हो रहा है वहाँ किसका सिंबल आ जाएगा माइनस का। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम कन्वर्ट करें इसको चेक करें तो जहाँ प्लस है वहाँ किसका सिंबल आ जाएगा मल्टीप्लाई का। डिवाइड के लिए हम करें तो किसका आ जाएगा डिवाइड का। बस हमारे पास जो अब काम रह जाता है जो वर्क रह जाता है वो ये कि हम उसको चेक करें, अगर वो सेटिस्फाई है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो हो जाती है, नहीं है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं होती। ऐसे ही हम इन सबको कर सकते हैं। तो ये आप लोगों के आ गया होगा, नहीं आया तो भी ये बड़ा सिंपल है, आप लोग इसको देख सकते हो क्योंकि इसके लिए थोड़ी सी बेसिक है, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए जो हम बॉडमास रूल हमेशा से पढ़ते रहते हैं उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट में आप स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते हो। बिल्कुल बिल्कुल, हमने यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट पहले सॉल्व किया, यहाँ भी ब्रैकेट सॉल्व किया। तो इस एसोसिएटिव का जो मैंने शुरू में सेंटेंस बोला था हम साथ साथ हैं, इसका मतलब हम इनको कहीं भी कैसे भी पुट करें ये सब के सब कैसे होते हैं एक साथ होते हैं। अब हम इससे नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। जैसा कि अपन को पता है डिस्ट्रीब्यूट मीन्स बांटना, अगर हम हिंदी में ट्रांसलेट इसको करें तो डिस्ट्रीब्यूट का मीन्स क्या हुआ बांटना। तो यहाँ भी हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वो बात अलग है कि आप लोग कभी किसी को कोई डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हो और कोरोना में तो आप लोगों ने सब नहीं किया होगा, आपने नहीं किया होगा तो आपके पेरेंट्स ने रिलेटिव्स ने किया होगा। तो उसी से रिलेटेड हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट हम यहाँ कहें देखो, रेस जो हमारा चैप्टर है वो है रेशनल नंबर्स, तो हम जो यहाँ ए बी सी जो कुछ ले रहे हैं वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेनली जो आप लोगों के लिए यहाँ मिलेगा वो रेशनल नंबर मिलेगा। अब रेशनल नंबर आप लोगों को पता ही है कि जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में मिलेगा, मीन्स फ्रैक्शंस जो यहाँ होंगे उसी के बेसिस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो हम वही बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कि लेट ए बी एंड सी आर 3 रेशनल नंबर, इंटीजर कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिखते हैं, आप लोग इसको देखना और इसके ऊपर थोड़ा फोकस भी ज़्यादा करना है, लेट ए बी एंड सी आर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स। तो डिस्ट्रीब्यूटिव का मीन्स क्या हुआ, देखो इसकी कंडीशन है कुछ इस तरह से ए और ये मैंने लिखा है एक स्मॉल ब्रैकेट में बी प्लस सी और ये इक्वल हो जाता है किसके ए बी प्लस बी सी। मीन्स समझ लेना आप लोग यहाँ इसका, देखो ये ब्रैकेट में है ए सॉरी बी प्लस सी और ब्रैकेट के आउटर साइड में आपके यहाँ पुट है ए, तो इन दोनों के बिटवीन कोई सिंबल नहीं है तो ये फिक्स है कि किसका सिंबल है मल्टीप्लिकेशन का। मैंने भी इसको मल्टीप्लिकेशन यहाँ सिंबल शो कर दिया है इजीली जिससे हमें ये समझ में आ जाए। तो आप लोग यहाँ देखो मीन्स क्या हुआ इसका,
ब्रैकेट में बी प्लस सी, आउटर साइड में ए, और हम जब वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि इसका मीन्स ये है कि ये जो ए है फर्स्ट बी से मल्टीप्लाई होगा, जो सिंबल है उसके बाद जो वो सिंबल यूज होगा। अब ये ए ही दोबारा किससे मल्टीप्लाई होगा, इस सी से, तो वही हमने इसके राइट साइड में लिखा है, ए इंटू बी मीन्स ए बी, प्लस का सिंबल था हमने भी प्लस का सिंबल लगाया है, ए इंटू सी ये हमने थोड़ा सा यहाँ लिखा है, बी नहीं है ये ए सी है, ये आप लोगों ने देखा होगा ए इंटू बी ए बी, ये ए इंटू सी, तो ये आप लोगों का यहाँ ए सी होगा, वो बाई मिस्टेक बी यहाँ लिख गया था। तो अब आप लोग इसको देखें, ए इंटू बी ए बी प्लस ए इंटू सी, तो ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ, देखो ये कंबाइंड लिखा हुआ था एक साथ और हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है। अब हम थोड़ा सा अपोजिट साइड से इसको देखते हैं, तो आप लोग यहाँ देखो दोनों में जो है, यहाँ ए बी है यहाँ ए सी है, इस ए बी और ए सी से अगर आप ए कॉमन ले लो तो ए तो आउटर साइड आ गया, रिमेनिंग क्या रहा आप लोगों के पास, बी प्लस सी, ये तभी तो इक्वल है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ होती है। अब हम ये जो प्रॉपर्टी, इनके बारे में हम थोड़ी नॉलेज हम कर चुके हैं, देखो तो बेसिकली इनकी नॉलेज होनी चाहिए, रिटर्न वर्क तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि जब ये पूरा सिस्टम जो हमने यहाँ पढ़ा है, क्लोजर, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और ये अपनी लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जब ये हमारे लर्न हो जाएंगी, जब इनको समझ लेंगे, उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बस केवल प्रॉपर्टी का यूज करना है और जैसा क्वेश्चन हमसे कहे वो क्वेश्चन हमको विद प्रॉपर्टी सॉल्व करना है। अब हम यूज देख लेते हैं जीरो का और वन की, गिवन कोई क्वांटिटी है उस पर जीरो और वन का क्या इफेक्ट होता है, तो ये तो आप लोगों की यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पूरी यहाँ एंड हो जाता है, यही लास्ट जो है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने कहा है कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट अगर है तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि अच्छे जो क्वेश्चंस हैं वो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे ही बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन पुट अप होंगे वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे ही, अच्छे जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है जिनमें कुछ माइंड का यूज करना पड़ता है, वो इस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होंगे। अब हम यहाँ कुछ देख लेते हैं यूज ऑफ जीरो एंड वन। नेक्स्ट जो है वो है द रोल ऑफ वन एंड जीरो। बेसिकली सबसे सिंपल ये है कि वन का रोल क्या होता है और जीरो का रोल क्या होता है, सबके लिए ये चलते हैं। तो पहले हम कुछ देख लेते हैं जीरो के लिए, क्योंकि जीरो वैसी बहुत अच्छी चीज़ है। तो जीरो का द रोल ऑफ जीरो, सपोज करते हैं लेट ये कोई वैल्यू है अपने पास और वो है ए, मैं रोल चेक करना है इसका। अब रोल का मतलब यहाँ कि इसका अपीरियंस कैसा है, ये जीरो किसके साथ कैसा बिहेव करता है, वो ही अपने पास चार ऑपरेशंस, फोर ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। हम सबके लिए यहाँ कुछ कुछ देख लेते हैं इसको। तो देखो फर्स्ट में मैं एडिशन के लिए कहूँ तो ये लिखा ए प्लस जीरो, मीन्स अगर किसी गिवन वैल्यू में आप लोग जो जीरो ऐड करते हो तो गिवन क्वांटिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता, मींस वो सेम टू सेम वहाँ एज ए आंसर आ जाता है। तो ए प्लस जीरो मीन्स ए के इक्वल। सेकंड हम कहें ए माइनस जीरो, तो इस टाइम पर भी इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि जीरो ए माइनस जीरो क्या होगा, ए। हम कहते हैं ए मल्टीप्लाइड बाय जीरो, ये थोड़ा सा आप लोग देख लें ऐसे नॉर्मल सा है कि किसी भी वैल्यू को हम अगर जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर क्या हो जाता है, जीरो, क्योंकि ये सब किसको, हर वैल्यू को क्या बना देता है, जीरो। नेक्स्ट ये आप लोग और भी देखें, ए इज डिवाइडेड बाई जीरो, तो मैंने यहाँ लिखा है नॉट पॉसिबल, ये मैंने जो वर्ड लिखा है एन
पी इसका मीन्स है नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट। हमारे लिए जो ये कंडीशन है ये एग्जिस्ट नहीं होती। ये मैंने वैसे आप लोगों को पहले भी कहा है कि जीरो डिनोमिनेटर में आता है तो वो वैल्यू क्या कर देता है, इनफाइनेट, इनफाइनेट वैल्यू बना देता है। तो इसका मतलब अभी इसके लिए हमारा कोई रेस्पॉन्स नहीं होगा, ये पॉसिबल हमारे लिए नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट है। क्योंकि किसी भी वैल्यू में आप जीरो का डिवाइड करोगे तो वो इनफाइनेट ही आप लोगों को मिलेगा। तो ये आप लोग देखें काम का भी है, ए इज डिवाइडेड बाय जीरो इक्वल्स टू नॉट पॉसिबल या डज नॉट एग्जिस्ट। अब रोल ऑफ वन देख लेते हैं, वन के लिए रोल, वन के लिए रोल वही हमारे पास एक वैल्यू है ए। समझना है आपको, अगर मैं ए प्लस वन, इट मीन्स इफ वी एड वन इनटू ए नंबर, तो ये उसका नेक्स्ट नंबर आ जाता है। अब ए अभी तो यहाँ एक एज ए वेरिएबल है, तो जो आएगा वो यहाँ आ जाएगा। सेकंड, जो मेनली हम यहाँ वन का रोल लिख रहे हैं, रोल का पता जो लगा रहे हैं, जो हम कह रहे हैं वो है इसके मल्टीप्लिकेशन के लिए ए मल्टीप्लाइड बाई ए। ये जो हम जो यहाँ रोल कह रहे हैं कि हम जो यहाँ रोल प्ले कर रहा है या वन, वो किसके लिए यूज में है, वो है इस मल्टीप्लाई के लिए। तो ये ए इंटू वन, इट मीन्स अगर हम किसी वैल्यू को वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ए मल्टीप्लाइड बाई वन सेम वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ ये बिल्कुल छोटा सा एक नॉर्मल सा पार्ट था, आप लोगों को पता भी होगा द रोल ऑफ वन एंड जीरो। तो ये तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद देखो अभी अपने पास थोड़ा सा पार्ट है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मेरा मानना यह है कि उन दोनों पॉइंटों को पहले हम प्रॉपर्टियों के क्वेश्चन कर लेते हैं, जब वो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो उनसे पहले उनकी जो हम प्रॉपर्टियां हैं, जो उनके रूल्स हैं, वो आप लोगों के लिए यहाँ बता दिए जाएंगे। तो अब हम कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि इन प्रॉपर्टियों से रिलेटेड है।